जहां यंग लोगों को हार्ट अटैक आए। पॉपुलर टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हुई कार्डियक अरेस्ट से। पुनीत राजकुमार की भी सीरियस कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुई और नाचते नाचते गिर पड़ी और चल बसी। ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन मिलकर एक रिसर्च किया था। ये रिसर्च भारत के 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज पे किया गया था। इस रिसर्च से पता चलता है कि आगे जाके भारत का जो हेल्थ है वो कैसे रहने वाला है। प्री डायबिटीज, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, ये सब ऐसा बीमारी है जो इंडिया में बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। मगर आपको इस बारे में कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है क्योंकि आपने तो अपना टेस्ट कराया नहीं। अगर आपने अपना टेस्ट नहीं करा है तो आपको खुश रहने का जरूरत है क्योंकि आपको पता नहीं कि आपके पास भी ऐसा कोई गेस्ट हो और ये जब एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाए तब जाके आपको स्टेप हो। तो अगर आपको मेंटल पीस प्यारा है और इन सब बिन बुलाए मेहमान से छुटकारा चाहिए तो एक बार जाइए, अपना फुल बॉडी चेकअप कीजिए। उससे आपको पता चलेगा कि आपके घर में भी ये सब गेस्ट आया हुआ है या फिर आने वाले है या नहीं। अगर आते हैं तो अभी से आप इनके लिए जो स्टेप लेना है वो ले सकें। तो कभी सोचे कि ये सब जो बिन बुलाए गेस्ट है ये आपके बॉडी में कैसे एंटर करते हैं? आंसर है कि आपका फूड हैबिट्स है। आप टाइमली खाना खाते हैं या फिर नहीं खाते, अगर खाते हैं तो कौन सा खाना खाते हैं, या फिर अगर आप घर से बाहर जाते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको अपने आप पे कितना कंट्रोल है, जितना भी स्ट्रीट फूड अवेलेबल है उन सब से। ऑन द अदर साइड अगर आप एग्जैक्ट टाइम में आपका घर का खाना खाते हैं और आपके बॉडी के लिए जो डाइट जरूरत है अगर आप उसको आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको डरने का कोई बात नहीं। और अगर आप ये सब नहीं कर पाते, बाहर जाने से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते या फिर घर में रेगुलरली बाहर का खाना आप ऑर्डर करते हैं तब आपको इससे डरना चाहिए। और ये सब बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ। ब्रिटेन का एक जर्नल है नेचर जिसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें ये बात बोला गया है कि इंडियन जो है वो एवरेज में 3 ग्राम नमक पर डे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और इंडियन मेन जो है वो ज़्यादा नमक कंज्यूम करते हैं कंपेयर टू इंडियन वोमेन। इंडियन वोमेन पर डे 7.1 ग्राम नमक कंज्यूम करते हैं। ऑन द अदर साइड एक इंडियन मेन पर डे एवरेज में 8.9 ग्राम नमक कंज्यूम करते हैं। WHO का अगर गाइडलाइन माना जाए तो एक इंसान को एवरेज पर डे में हाईएस्ट 5 ग्राम नमक कंज्यूम करना चाहिए, तब जाके आपका जो हेल्थ है इसमें नमक कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेगा। तो एवरेज में एक इंडियन वोमेन पर डे 2.1 ग्राम और एक इंडियन मैन पर डे 3.9 ग्राम नमक ज़्यादा खा रहा है। और नो डाउट ये जो नमक है ये आपके बॉडी में जब घुस रहा है उसके बाद इसके साथ बहुत सारा गैस भी आ रहा है जिसमें मेजर जो है वो है हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट स्ट्रोक और हार्ट अटैक। NCRB का एक रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है लास्ट 2012 से 2021 तक हार्ट अटैक से जो डेथ का रेट है वो 54% हाइक किया है। भारत में जिन लोगों को मोटापा है वो लोग एक साल में जितना नमक कंज्यूम करता है उन लोगों को वही नमक 1.5 साल में कंज्यूम करना चाहिए। मतलब 6 महीने का नमक उन लोग एक्स्ट्रा खा लेते हैं एक साल में। इसी के लिए उन लोगों में हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक ये सब बीमारी ज़्यादा अटैक करता है। भारत में जिन लोगों को मोटापा है उन लोग पर डे 9.2 ग्राम सॉल्ट कंज्यूम करते हैं। ऑन द अदर साइड जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है वो लोग पर डे एवरेज में 8.5 ग्राम सॉल्ट कंज्यूम करते हैं, जबकि जो सिगरेट स्मोकर्स है वो लोग पर डे 8.3 ग्राम नमक कंज्यूम करते हैं। तो इन सब के लिए जो लिमिट है वो WHO के तरफ से पहले ही बोल दिया गया है, वो है 5 ग्राम पर डे। ऑन द अदर साइड इन लोगों का जो पर डे लिमिट है ये काफ़ी ज़्यादा है और इसी के वजह से ये सारे जो बीमारी है वो आपका गेस्ट बन रहा है, आपके बॉडी में आ रहा है और आपके जीवन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ रहा है। हाल ही में WHO अपना एक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसमें WHO एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन फ्यूचर जाके 70 लाख इंसान का डेथ हो सकता है ड्यू टू हाई कंज्यूम ऑफ सॉल्ट। और इंडिया इसमें बहुत आगे है। ऐसा नहीं है कि नमक जो है ये कोई जहर है, अगर आप नमक सही मात्रा में कंज्यूम करते हो तो ये आपके बॉडी के लिए बहुत ज़रूरत है। पर डे अगर आप 5 ग्राम के नीचे या फिर मैक्सिमम 5 ग्राम नमक कंज्यूम करते हो तो वो आपके बॉडी के लिए इनफ है। अगर देखा जाए तो नमक में जो है वो है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम मेनली आपके बॉडी में पानी का जो सही मात्रा है उसको कंट्रोल करता है, साथ ही साथ
ऑक्सीजन को आपके बॉडी में अच्छी तरह से सर्कुलेट करता है। लेकिन जब आप ये नमक ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तब ये जो नमक है ये आपके बॉडी के लिए जहर बन जाता है। तो ये सब सुनने के बाद आप शायद सोच रहे हो कि भाई इतना क्यों डर रहा है, इतना क्यों नेगेटिव बोल रहा है, कुछ पॉजिटिव तो बोल। तो इस कहानी में भी एक पॉजिटिव पार्ट है और इस कहानी में भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट यही है कि अभी तक जो डेटा मैंने आपको प्रोवाइड किया है ये घर के खाने के लिए नहीं है। ये सब सुनने के बाद अगर आप पहले से ही बोल रहे हो कि भाई मेरा घर में जो खाना बनता है उसमें मैं नमक और भी घटा दूंगा, तो वो एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन जो है वो है दूसरा कुछ, जो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये जितना भी नमक का डेटा मैंने आपको दिया, इसका जो मेन सोर्सेस है ये है आउटसाइड फूड। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, कोई स्ट्रीट फूड कंज्यूम करते हैं, या फिर आप अपना फेवरेट कोई टी स्टॉल में जाते हैं जहां आपका जो नमकीन है वो आप ऑर्डर करते हैं, या फिर ऐसा कुछ खाना जिसको देखने के बाद आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते हो और आप वो खाना कंज्यूम करते हैं, तो वो खाना अगर आप कंज्यूम करते हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये आपके बॉडी में जो सॉल्ट का मात्रा है ये काफ़ी इंक्रीज कर देता है और इसी से जाके आपका ये सारा जो प्रॉब्लम है ये आपके बॉडी में एंटर करता है। फिर आगे जाके क्या होगा ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके बॉडी के ऊपर। डेटा के अनुसार हमारे देश में पर डे 3% लोग ये जो पैकेज चिप्स है या फिर ये पैकेज जो नमकीन फूड है ये कंज्यूम करते हैं। ये जो स्नैक्स है इसमें नमक का जो मात्रा है ये काफी ज्यादा रहता है और इसीलिए ये चटकीला सा जो खाना है ये आपको अट्रैक्ट करता है। ये जो स्नैक्स या फिर नमकीन है इन लोगों को हाईली प्रोसेस या फिर अल्ट्रा प्रोसेस फूड कहा जाता है। इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के जगह आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स जो होता है वो ज़्यादा ऐड होता है, जिससे जाके ये जो स्नैक्स है ये जब आप कंज्यूम करते हैं तो आपको वो चटकीला सा एक फ्लेवर या फिर स्वाद देता है और उसी से आप अट्रैक्ट होके इसको फिर से ऑर्डर करते हैं या फिर इसको फिर से खाने के लिए खरीदते हैं। ऑन द अदर साइड इस तरह के फूड जब आपके बॉडी में एंटर करते हैं तो वो फूड जाके आपके बॉडी में डोपामाइन रिलीज करते हैं और इसी डोपामाइन के वजह से आपको ये फूड खाने में बहुत अच्छा लगता है और आप हमेशा इस तरह के फूड के लिए अट्रैक्ट होते हैं। और ये सब जो फूड्स हैं इन लोगों का जो मेनली इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें नमक एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपके बॉडी में सॉल्ट प्लस स्नैक्स एक साथ ज़्यादा जाता है एवरीडे बेसिस तो आपका बॉडी कभी सुस्त रह ही नहीं सकता है। इसके लिए आपको चाहिए एक पर्टिकुलर पैरामीटर फॉलो करना जिसमें एटलीस्ट आप टारगेट कीजिए इंक्लूडिंग आपका जो बाहर का खाना है आप पर डे हाईएस्ट 5 ग्राम तक नमक कंज्यूम करेंगे। अगर आपका जो डाइट है उस पर आपका कंट्रोल है या फिर आप अगर घर से जब बाहर निकलते एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हो सके तो आप आपका घर का जो खाना है उसको कैरी कीजिए या फिर जो डायरेक्ट फूड होते हैं मतलब जो फूड्स होते हैं जैसे फ्रूट्स है जो आप घर से ले जा रहे हैं वो सब कंज्यूम कीजिए। अगर आप ऐसा कोई फूड कंज्यूम करते तो आपका बॉडी के लिए बहुत हेल्दी रहता है। हो सकता है कि अगर आप ये अपना फूड हैबिट कंट्रोल करते तो इसके बाद आगे जाके आपको हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक या फिर डायबिटीज ये सब बीमारी से छुटकारा मिल जाए। ऑन द अदर साइड अगर आपका क्रेविंग्स में आपका कंट्रोल नहीं है या फिर आप अपना डाइट फॉलो नहीं करते या फिर आप वर्कआउट नहीं करते तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शायद आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, मगर इन फ्यूचर जाके इसके लिए आपको ही रीपे करना पड़ेगा। तो अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो अपना जो सॉल्ट कंज्यूम है उसको कंट्रोल कीजिए और अपना जो डाइट है उसको अच्छी तरह से फॉलो कीजिए या फिर हो सके तो वर्कआउट कीजिए या फिर वॉकिंग कीजिए जो आपके लिए सबसे बेहतर है और आपके हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट है। हेल्थ इज वेल्थ ये बात हम लोग बचपन में पढ़े थे, आज भी मुझे याद है, आई होप आपको भी याद रहेगा ये वीडियो देखने के बाद। तो आज के लिए इतना ही। अगर ऐसा ही वीडियो आपको और देखना है और ये वीडियो आपको कुछ भी तरह से हेल्प करता है तो प्लीज़ चैनल में सब्सक्राइब बटन जो है उसमें क्लिक कीजिए क्योंकि मेरे जैसा क्रिएटर के लिए ये मेरा खाना है। अगर आप इसको क्लिक करते तो मुझे मेरा जो खाना है वो मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।